दोस्तों इस बार के बीजेपी के घोषणा पत्र का टाइटल है भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी। बीजेपी के मुताबिक 2014 में लोगों के बीच आशा, 2019 में विश्वास और 2024 में गारंटी लेकर आए, लेकिन हकीकत में 2014 की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, 2019 में लोगों के साथ विश्वासघात किया और अब 2024 में क्या करेंगे ये समय बताएगा। लेकिन आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट में बीजेपी के वादों का स्टेटस आखिर है क्या। आज के पार्ट टू में हम बात करेंगे सीमा सुरक्षा पर कैसे चूकी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। बीजेपी ने 2019 के 50 पेज के घोषणा पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नीति से जुड़े 9 प्रमुख वादे किए थे, जिनमें से 6 वादे पूरे हुए जबकि 3 अधूरे हैं। इस तरह बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब 66% है। अधूरे वादों में से 2 वादे सीमा सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, यानी सुरक्षा पर भी मोदी की गारंटी अधूरी है। वादा नंबर 1, अवैध घुसपैठ रोकने के लिए स्मार्ट फेंसिंग। बीजेपी का यह वादा अभी अधूरा है। भारत की जमीनी सीमाएं 7 देशों से लगती है, इनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल है। भारत इन देशों के साथ कुल 15,106.7 किलोमीटर की जमीनी सीमा साझा करता है। केंद्र सरकार ने पहली बार साल 2018 में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग का काम शुरू किया था। इसके बाद जनवरी 2024 में भारत म्यांमार सीमा पर भी स्मार्ट फेंसिंग का काम शुरू हुआ, लेकिन कुल जमीनी सीमा में से अब तक केवल 5,223 किलोमीटर पर ही बाड़े बंदी का काम पूरा हुआ है। वादा नंबर 2, 2024 तक 14 नए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बेहतर सुरक्षा सुधार के साथ साथ पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और संबंध बेहतर करना होता है। 2024 तक नए 14 ICP का बीजेपी का वादा अभी अधूरा है। 6 फरवरी 2019 को गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश और असम में ICP स्थापित करने को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा 10 और जगहों पर ICP बनाने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है। 27 जुलाई 2020 को गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि देश में साल 2012 से 2020 तक 9 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए गए हैं और ये भी एक्टिव है। नवंबर 2023 में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022-23 के लिए गृह मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में बताया गया कि ICP शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ भारत की जमीनी सीमाओं पर कुल 14 जगहों की पहचान की है। ये जगह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमाई इलाके हैं। इनमें से कई चेक पोस्ट पर काम लगभग पूरा हो गया है, वहीं कुछ चेक पोस्ट का काम संतोषजनक नहीं है। गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक 7 ICP के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू नहीं की। ICP का संचालन लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI द्वारा किया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन गृह मंत्रालय के तहत आता है। साल 2021 में LPAI ने कहा था कि साल 2025 तक भारत की जमीनी सीमाओं पर 24 ICP होंगे। वादा नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समूह का प्रयास। भारत ने कई मंचों पर अंतरिक्ष से जुड़े मामलों पर एकजुट होकर एक समूह बनाने की बात कही है, लेकिन अभी यह प्रयास अधूरा है। भारत पहले से इंटरनेशनल स्पेस एक्सप्लोरेशन कोऑर्डिनेशन ग्रुप ISECG का सदस्य है। भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्पेस रिसर्च और स्पेस के कमर्शियल यूज को लेकर एक नियामक संस्था बनाने की बात कही है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के बैनर तले भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उपलब्धियां बड़ी है।
इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ वैश्विक स्तर पर एक समृद्ध स्पेस एजेंसी का गौरव हासिल किया है। भारत ने स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया है। इसरो कई स्पेस मिशन के लिए विदेशी एजेंसियों के साथ तकनीक का आदान प्रदान करता है। वादा नंबर 4, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी। देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस के अपने वादे पर बीजेपी खरी उतरी है। गृह मंत्रालय ने 19 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर से जुड़ा डेटा जारी करके बताया था कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति से आतंकी घटनाएं कम हुई है। साल 2018 में 228 आतंकी घटनाएं हुई थी, जो 2023 में घटकर 43 हो गई। इसी तरह जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ होने वाले एनकाउंटर में कमी आई है। साल 2018 में इनकी संख्या 189 थी, जो 2023 में घटकर 48 हो गई। हालांकि अभी भी जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं या आतंकवादियों से मुठभेड़ की खबर आती रहती है, लेकिन बीजेपी ने देश और देश के बाहर आतंकवाद से जुड़ी किसी भी तरह की घटना पर अपना रुख जीरो टॉलरेंस का रखा है। वादा नंबर 5, रक्षा उपकरणों की खरीद तेज करेंगे। बीजेपी ने हथियारों की खरीद तेज करने का अपना वादा पूरा किया है। जी हां, मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत निगेटिव इंपोर्ट, विदेशों से हथियार की खरीद कम करना की लिस्ट में इजाफा हुआ है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत अभी भी बड़ी तादाद में विदेशी हथियारों की खरीद करता है। केंद्र ने साल 2014 से 2017 के बीच और 2017 से 2022 के बीच सैन्य उपकरणों की खरीद को लेकर 2 डेटा जारी किए हैं। फरवरी 2023 में लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया, साल 2017 से 2022 के बीच 1.93 लाख करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण विदेशों से खरीदे गए। भारत की कंपनियों से कितने रुपए के उपकरण खरीदे गए, इसकी जानकारी नहीं दी गई। वहीं साल 2014 से 2017 के बीच देश और विदेश से 2.42 लाख करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण खरीदे गए थे। सरकार ने डिफेंस सेक्टर का बजट भी बढ़ाया है। साल 2024-25 के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जबकि साल 2019-20 में यह बजट 3.18 लाख करोड़ रुपए का था। वादा नंबर 6, वामपंथी उग्रवाद को कम करने के लिए सख्त कदम। देश में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या घटी है। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी ने अपना ये वादा पूरा किया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विकास के लिए साल 2018 से 2023 के बीच 4,931 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस राशि से राज्यों में 13,620 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया गया। टेलीकॉम कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 13,823 टावरों की मंजूरी दी गई, जिनमें से 3700 से ज़्यादा टावर चालू हो चुके हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 4,903 नए डाकघर खोले गए। 30 सबसे ज़्यादा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में अप्रैल 2015 में 2023 के बीच 955 बैंक और 839 एटीएम खोले गए। 23 फरवरी 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि देश में 2004 से 2014 और 2014 से 2023 के बीच वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में 52% और मौतों की संख्या में 69% की गिरावट आई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक उग्रवादी घटनाएं 14,862 से घटकर 7,128 हो गई। इनसे होने वाली मौतें 6,035 से घटकर 1,868 हो गई, यानी देश में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या घट गई है। 10 राज्यों के 72 जिलों से घटकर ये संख्या 58 रह गई। वादा नंबर 7, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा।
दोस्तों बीजेपी ने अपना यह वादा भी पूरा किया है। संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स, SCO जैसे मंचों पर भारत ने मजबूती से आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं को लेकर आपसी सहयोग की वकालत की है। नेबरहुड फर्स्ट जैसी पॉलिसी के तहत भारत ने पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर करने की कोशिश की है। साल 2023 में भारत ने G20 और SCO जैसे वैश्विक मंचों की अध्यक्षता की। दिसंबर 2022 में भारत ने दूसरी बार USNC की मासिक अध्यक्षता की। बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की भारत की कोशिशों की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी की गई है। वादा नंबर 8, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भर के देशों को एक मंच पर लाने की बीजेपी सरकार की कोशिश का वादा संतोषजनक कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नया आतंकवाद विरोधी मंच नहीं बना है। हालांकि भारत का रवैया वैश्विक आतंकवाद के हर स्वरूप के खिलाफ रहा है। 2022 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की मेजबानी की। इस बैठक में दिल्ली घोषणा पत्र के दस्तावेज को सभी देशों ने अपनाया। इसमें मुख्य तौर पर ड्रोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों से होने वाले आतंकवाद को रोकने की बात कही गई थी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुई आतंकवाद की किसी भी घटना की भारत ने सख्त निंदा की है। बहुत कुछ सालों में दुनिया भर में हुई आतंकवाद की घटनाओं के बीच फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाल कर वापस लाया गया है। वादा नंबर 9, UNSC की स्थायी सदस्यता प्राप्त। बीजेपी का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की स्थायी सदस्यता पाने के प्रयास का यह वादा पूरा हुआ माना जा सकता है। भारत अब तक UNSC की स्थायी सदस्यता नहीं ले पाया है, लेकिन इसके लिए भारत लगातार प्रयास करता रहा है। अमेरिका और रूस जैसे देश भी कहते रहे कि भारत को UNSC की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। 2 अप्रैल 2024 को विदेश मंत्री SJ शंकर ने कहा, भारत को UNSC की स्थायी सदस्यता जरूर मिलेगी, क्योंकि दुनिया में यह भाव है कि उसे सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन देश को इसके लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। दोस्तों बीते 5-6 सालों में सरकार आतंकवाद पर नियंत्रण करने में सक्षम रही। पाकिस्तान से कोई बातचीत ना करके उसने आतंकवाद पर अपने जीरो टॉलरेंस की नीति कायम रखी है। रक्षा क्षेत्र में हमारा निर्यात भी बढ़ा है। डिफेंस सेक्टर का बजट और बढ़ाए जाने की जरूरत है, लेकिन अगर UPA सरकार से तुलना करेंगे तो बजट में काफी सुधार हुआ है। इस समय रक्षा क्षेत्र का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं अटका है। सेना को जरूरत के हथियार मिल रहे हैं, लेकिन एक पहलू यह भी है कि हथियारों की खरीद होने के बाद सेना को हथियार मिलने की प्रक्रिया लंबी होती है। जमीनी सीमाओं पर बाड़े बंदी आसान नहीं होती, क्योंकि दो देशों के बीच फेसिंग को नकारात्मक नजरिए से देखा जाता है। इसके लिए पड़ोसी देशों को भी भरोसे में लेना होता है। म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा पर फेसिंग में ऐसी ही रुकावटों का सामना करना पड़ा है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में विकास के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की है। इसका सकारात्मक नतीजा भी देखने को मिला है। हाल ही में उल्फा जैसे कई उग्रवादी संगठनों के साथ डील की गई। सरकार ने बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम किया है। G20 में शामिल देश इसकी मेजबानी को उतनी गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन जिस सफलता से बीजेपी सरकार ने इसकी मेजबानी की, यह कई देशों के लिए नई बात थी। ब्रिक्स के कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता पर भारत ने मेजबानी से अपना पक्ष रखा है। दोस्तों इस खबर में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मोदी सरकार के और कितने वादे गारंटी अधूरी है उस पर चर्चा करेंगे। खैर आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
और घंटी जरूर बजाए चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।